तो किसका एग्जिट पोल सबसे सटीक? गिनती से पहले क्या वाकई में आ गए सटीक नतीजे? यूपी में कौन करेगा 202 पार? उत्तराखंड में भी क्या आएंगे चौंकाने वाले नतीजे? आखिरकार किसका होगा राजतिलक? कौन जीतेगा यह सियासी युद्ध? उत्तराखंड में कमल या फिर हाथ? किस पर जनता का दांव? यूपी में भगवा या फिर लाल? किसकी बन रही सरकार? 10 तारीख का इंतजार। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि यूपी में किसका राज और उत्तराखंड में किसे मिला ताज। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने से पहले तमाम कयासों के बीच अब तमाम न्यूज चैनल्स की भीड़ यह दावा कर रही है कि किसकी सरकार बन रही है। कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड में कांग्रेस, कोई कह रहा है बीजेपी, मगर सवाल यही कि आखिरकार किसका कितना सटीक है एग्जिट पोल? क्या आएंगे योगी या फिर अखिलेश लहराएंगे परचम? यह अपने आप में तमाम सवाल और उन सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे उन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच जो इस वक्त आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं। कौन कौन से न्यूज चैनल्स आखिरकार यह दावा कर रहे हैं कि किसकी सरकार? कुछ आंकड़ों का जिक्र हम भी आपके साथ करेंगे। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले वो आंकड़े जो तमाम न्यूज चैनल्स पर इस वक्त चल रहे हैं कि एग्जिट पोल किसकी सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की, तो दावा यह है कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर बीजेपी 45% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। यूपी में 262 से 277 सीटें रिपब्लिक भारत अपने एग्जिट पोल में दे रहा है। साथ ही रिपब्लिक भारत का दावा यह है एग्जिट पोल्स के जरिए कि समाजवादी पार्टी को 35% वोट मिल रहे हैं, 35%, और समाजवादी पार्टी के खाते में 119 से लेकर 134 सीटें आ रही हैं, जबकि बीएसपी को, क्योंकि बीएसपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लगातार हम ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे एक आधार है, क्योंकि बीएसपी का हाथी खेल बनाने और बिगाड़ने में मादा रखता है। अब रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल बताता है कि बीएसपी लगभग 13% से ज्यादा वोट हासिल कर रही है और बीएसपी के खाते में 7 से 15 सीटें आ सकती हैं, साथ ही साथ अन्यों के खाते में 2 से 7। रिपब्लिक भारत का यह एग्जिट पोल है, और साथ ही साथ रिपब्लिक भारत का यह एग्जिट पोल उत्तराखंड का यह है कि उत्तराखंड बीजेपी के कब्जे में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, यानी कि पहाड़ पर कमल एक बार फिर से खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दावा तमाम न्यूज चैनल्स पर अलग अलग सर्वों के जरिए किया जा रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत उत्तराखंड की 70 सीटों के अपने एग्जिट पोल में दावा कर रहा है कि बीजेपी के खाते में 29 से 34 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 33 से 38 सीटें आ रही हैं, बीएसपी के खाते में 1 से 3 सीट जा रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3, यानी कि निर्दलीय वो चेहरा हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी वोट प्रतिशत का आंकड़ा इसी के इर्द गिर्द है, जहां पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के एक और बड़े न्यूज चैनल यानी कि एबीपी गंगा की, तो एबीपी गंगा का दावा यह है कि बीजेपी के खाते में 26 से 32 सीटें आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, 0 से 2, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यही दावा वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में बीजेपी के खाते में करीब 40% वोट एबीपी गंगा दिखा रहा है, और कांग्रेस के खाते में लगभग 40% से कम वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 12% के आसपास वोट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दावा एबीपी गंगा का है, जबकि आज तक का जिक्र करें तो आज तक ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि उत्तराखंड में
बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी का जो आंकड़ा आज तक ने अपने एग्जिट पोल में दिया है उसमें बीजेपी के 36 से 46, सही सुना आपने, बीजेपी के विधायक जीत करा रहे हैं एग्जिट पोल में, आज तक का यह दावा है। जबकि कांग्रेस के 20 से 30 विधायक चुनाव जीत कर आ सकते हैं, जबकि बीएसपी के खाते में 2 से 4 विधायक इस वक्त जीत हासिल करते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं आज तक के। यानी कि जो दावा किया जा रहा है आज तक की तरफ से जो एग्जिट पोल में, उसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो TV9 का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में क्या बताता है वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि TV9 के एग्जिट पोल में दावा यह किया गया है कि 403 सीटें जो कि चुनाव जिन पर हुआ वहां बीजेपी के कब्जे में 211 से लेकर 225 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 146 से 160 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि बीएसपी को, जो कि TV9 का एग्जिट पोल है, वो ये दावा करता है कि 14 से 24 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलती हुई अब उनके एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। यानी TV9 का ये एग्जिट पोल, जबकि TV9 का ही एग्जिट पोल उत्तराखंड के संदर्भ में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में TV9 का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी के खाते में 31 से 33 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 33 से 35 और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 3 और अन्य के खाते में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा News24 और चाणक्य ने किया है, और वो आंकड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में News24 के एग्जिट पोल का दावा यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी 43 सीटें जीत करा रही है, 43 सीट्स, और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आ सकती हैं जो एग्जिट पोल में दावा है, और अन्य के खाते में 3। अब सवाल यही जो सबसे पहला सवाल हमने उठाया, यानी हर किसी के अपने अपने आकलन, अपना अपना आंकड़ा, लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल की भीड़ में सबसे सटीक एग्जिट पोल है किसका, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल बन गया है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विशेषक हैं। AK मिश्रा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, ये टैली लगातार अपडेट होती रहेगी। हम आपको बता दें जो जो न्यूज़ चैनल्स के आंकड़े आते रहेंगे वो हम आपके सामने दिखाते रहेंगे, जो जो दावा एग्जिट पोल में किया जा रहा है वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, कहां किसको कितनी सीट। पंजाब में सबसे दिलचस्प आंकड़ा सामने आया जहां पर तमाम एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि सबकी उम्मीदों पर केजरीवाल ने झाड़ू फेर दिया है, और पंजाब में झाड़ू चल रहा है और जमकर चल रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नतीजे नहीं है, क्योंकि नतीजे एग्जिट पोल के कई बार विपरीत आए हैं, इसलिए इस पर यकीन और भरोसा करना वाकई में आज भी एक पहेली बना हुआ है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। AK मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषक हैं। राहुल तलान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषक हैं, और साथ ही संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कुछ ही देर में संदीप दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब, अभी तक तो जितने भी एग्जिट पोल आए वो दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि लाल टोपी नहीं आ रही है, साइकिल की रफ्तार लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही है, दावा किया जा रहा है, एग्जिट पोल है, क्या हुआ, दिल टूट गया क्या? देखिए चावला जी, एक विधानसभा में 2.5 लाख से ऊपर वोट पड़ता है, ऑल ओवर अगर वोटों का आंकड़ा लगा जाए तो 2.5 से 3 लाख के बीच में वोट पड़ती है लगभग, और आंकड़े जो चैनलों के द्वारा लिए जाते हैं वो 200 से 250 आदमियों से मुश्किल से पूछा जाता होगा। अच्छा, तो यानी आपको ये सूट नहीं कर रहा, तो आपने ऐसा नहीं है कि आंकड़े जो बोल रहे हैं वही सत्य होते हैं। 10 तारीख आने दीजिए, 10 तारीख में बीजेपी का सफाया
ये उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। नहीं वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं वो तो ठीक है, ये दस तारीख, नहीं 10 तारीख तो पता चल ही जाएगा, वरना फिर चुनाव आयोग का क्या काम, क्यों है ना। लेकिन जो ये मजमा लगा हुआ है, मैं देख रहा था शाम को 5 बजते ही मजमा लग गया तमाम न्यूज चैनल्स पर। वो कहता है कि सबसे पहले हम दिखाएंगे, वो कह रहा है सबसे पहले हम दिखाएंगे, सबसे सटीक हमारा, सबसे सटीक तुम्हारा। अब ये है किसका सबसे सटीक, मैं ये नहीं समझ पा रहा, जरा मुझे ये समझा दो। लेकिन जिसका भी है, लेकिन वो सब ये कह रहे हैं कि भैया आपकी सरकार तो नहीं आ रही। आप सब जानते हैं कितने लोगों से पूछा जाता है, 2.5 लाख लोगों से, तो 2.5 लाख लोगों से तो पूछा नहीं जाएगा, 2.5 लाख लोगों से तो पूछ के नहीं ये आंकड़े बताए जाएंगे। और चैनल जितने भी आंकड़े आए वो हमेशा फेल हुए हैं, आंकड़े आप देख लीजिए, पहले भी सारे धरे के धरे रह जाएंगे। उठा के देख लीजिए, 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो आंकड़ों ने क्या बताया था, उसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तब आंकड़े ने क्या बनाया था, आंकड़े ये केवल 200-400 लोगों से पूछ के बताए जाते हैं। लेकिन 2.5 लाख वोटर होता है एक विधानसभा में जो डालता है, वोट होती है 5 लाख 4.5 लाख 4 से ऊपर, लेकिन जो डाली जाती है वो लगभग 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर ऊपर वोट होती है जो डलती है, तो उन सबसे नहीं पूछा जाता। वोट वो डली है अंदर, वो जब खुलेंगी रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन में विश्वास जमा। तो ये सारे न्यूज चैनल मिलकर, ये सारे न्यूज चैनल मिलकर ये सपा का हौसला क्यों तोड़ रहे हैं चौधरी साहब? देखिए ये मैं ये इस पे मैं नहीं कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। अच्छा, ये मेरा विषय नहीं है। हाँ, ये मेरे विषय से अलग हट गया है। अच्छा, मेरा विषय सिर्फ इतना है, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि 250 लोगों से पूछा गया, 2.5 लाख लोगों से नहीं पूछा गया। अब 250 लोग अचानक किसी को रास्ते में, कोई बीजेपी के भी 50-60 लोग अच्छा, तो मिल सकते हैं, सपा के भी मिल सकते हैं। ये तमाम न्यूज चैनल वाले कभी आपसे पूछते हैं कि नहीं, आपने कहा कि सर्वे ले लेते हैं 200 लोगों का 250 लोगों का और फिर दिखा देते हैं कि भैया इतनी सीटें आ रही हैं। हमसे तो नहीं पूछा आज तक। अच्छा, आपसे नहीं पूछा गया, तो यानी कुल मिलाकर ये सपा को सूट नहीं कर रहा, इसलिए आपने कहा कि भैया ये मामला रिजेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, बात सूट की नहीं है सर। हाँ, चावला जी बड़े भाई, सूट की नहीं है। हाँ, बात ये है, ये आंकड़े बिल्कुल ध्वस्त होंगे और ये आंकड़े हैं, रिजल्ट नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये आंकड़े हैं, आंकड़े कुछ भी दिखाए जा सकते हैं। हाँ, किसी अभी कोई चैनल दिखा देगा कि 300 सीटें समाजवादी जीत रही है, कौन सा उस पर केस कर दिया जाएगा, कौन केस करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बताइए आप कौन केस करेगा ये। लेकिन एक बात बताइए आप बीजेपी वाले, बीजेपी वाले पता क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमने तो नारा दिया था कि आएंगे तो योगी ही, अब ये तो 300 प्लस की नारा दे रहे थे, एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है कि आएंगे तो 300 प्लस का नारा दे रहे थे। नहीं, 300 प्लस सरकार तो बनाएंगे ना, कोई तो सरकार बनाएगा ना। आप क्या सोच रहे हैं अगर 200 ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? ये तो मजमा जो लगा हुआ है आज तमाम न्यूज चैनल्स पर, मैं तो वो दिखा रहा हूँ कि देखो। नहीं नहीं, तो वो कौन लोग हैं मजमा लगाने वाले? अच्छा, जिन्हें आप सर्टिफिकेट दे रहे थे। अच्छा, जो आपको सूट करे थे वो लोग सर्टिफिकेशन देने वाले हैं कि भाई यही सरकार आएगी। अच्छा, चलिए मैं पूछ लेता हूँ संदीप दुबे जी। भाई मुबारक हो आपको दुबे जी, ये हमारे तमाम धुरंधर एक से एक न्यूज चैनल में जिन्हें दिखा रहा हूँ टैली अपने लेफ्ट और राइट में, और इसमें बड़े बड़े चैनल्स बता रहे हैं कि आएंगे तो योगी ही आएंगे, ये दावा किया जा रहा है। ये एग्जिट पोल तो आपको बहुत सूट कर रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है, तो AK मिश्रा जी आपको मुबारकबाद दे सकते हैं या बाद में दें, 10 का वेट करें? तिलक जी, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो का दिन है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और चुनाव आयोग का दिन है। नहीं, मैं तो जनता को बधाई दे सकता हूँ सर, ये तो जनता की सरकार होगी, चाहे आपकी हो चाहे फिर चौधरी साहब की। मतदाताओं के पास जाकर अपनी अपनी बातें रखी, विपक्ष की नीति बुराई की थी वो बुराई करा, कभी बुराई की जीत नहीं होती, जीत हमेशा सत्य की होती है, कभी झूठ की जीत मैंने होते हुए नहीं देखा।
जीत हमेशा सत्य विश्वास की होती है, निष्ठा की होती है, और उत्तर प्रदेश की जनता में सत्य और निष्ठा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी में सबने रखा। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी कह रहा हूँ, हम हार जीत से भयभीत नहीं होते, हम हमेशा अपना अवलोकन करते, हम जीत के चुनाव कह रहे हैं इसके बाद भी हम अवलोकन करेंगे, विचार करेंगे और अच्छा इस देश के लिए कैसे हम कर सकते हैं। संदीप दुबे जी, समाजवादी पार्टी के मित्र को सुन रहा था, संदीप दुबे जी भला कह रहे थे दुबे जी गुस्सा है, कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा शांत हो जाएगा, जैसे गर्मी शांत हो गई, 7 तारीख होते ही शाम को 5 बजे के बाद सबकी गर्मी शांत हो गई। सब गुस्से की बात, अच्छा गुस्से की, सबकी अलग अलग। अच्छा अच्छा नहीं, मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना गर्मी वाली बात, तो इसलिए भाई ये सब विषय खत्म, अब खत्म, आप बिल्कुल सही कहा। नहीं तो आपने कहा जनादेश, जो भी नतीजे आएंगे, देश के सर्वश्रेष्ठ चुनावी समर में अपना योगदान दिया है वो चाहे अखिलेश, आपने कहा कि जो भी नतीजे आएंगे, जो किसी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, आप ये उत्सव है और उत्सव में भाग लेने वाले सारे लोग बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि जनादेश जो भी आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा, कोई दूसरा विकल्प है क्या, है कोई दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प भी है, क्या विकल्प भी है, आप बताइए। जनादेश, जनादेश तो चौधरी साहब को स्वीकार करना है, आपको भी स्वीकार करना है, मुझे भी स्वीकार करना है, कोई दूसरा विकल्प है तो बता दो मेरे भाई। बिल्कुल है, आप हम सब लोग विकल्प के तौर पे ही हैं, इस देश में विकल्प हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, कई निर्दलीय भी चुन के आएंगे, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता लाख मेहनत किए हों, कई जगह ओके एके मिश्रा सब चुन के आएंगे। एके मिश्रा, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करने की जरूरत है, कल को पता चले समाजवादी पार्टी के लोग कहने लगे कि भैया वो बैलेट कहीं से गड़बड़ हो गई, फलाना गड़बड़ हो, क्योंकि वो हार तो मानेंगे नहीं, अपना स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, तो बुराई जीतती नहीं है और बुराई की कभी जीत नहीं होती, मैंने तो जन्म से लेकर आज तक यही सीखा है। उतना ही बोलिए, अब जरूरत है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये लोग क्या स्वीकार करेंगे कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुराई फैलाई। तिलक भाई दुबे जी, आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, उतना बोलिए जितना आप 10 तारीख को झेल पाए, ये आपके लिए भी है और चौधरी साहब के लिए भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फिर एक क्लिप निकाल के सुनाऊंगा भी सही आपको, फिर आप स्वीकार करिएगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अच्छी बात है तिलक भाई, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, आप करिए, हमारा जो काम है हमें करने दीजिए। बुराई पर आपने दुबे जी आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और फिर मैं 10 तारीख को सुनाऊंगा ये आपको, पक्का 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 ना सर, मैं आपको मिठाई खिलाने आऊंगा, आप मुझे बुलाइएगा, मैं शाम को आपके स्टूडियो में आऊंगा, मैं मिठाई मैं खिलाऊंगा सर, आप लोगों की मिठाई मैं खाता ही नहीं, आप लोगों की मिठाई नहीं खाता मैं, किसी भी नेता की मिठाई खाता ही नहीं मैं, नेता नहीं है, मैंने भाई होने के नाते मैं मिठाई खा लूंगा, लेकिन मैंने भी अगर नेताओं की मिठाई खाई होती तो सर किसी चैनल पर टाई लगा के भी बैठा होता, समझ रहे ना सर, ये आप जानते हैं। खैर छोड़िए, एके मिश्रा जी, ये क्या संकेत और क्या संदेश, ये जो एग्जिट पोल में तमाम धुरंधर बैठकर कह रहे हैं कि ये उसकी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, देखो इतने वोट प्रतिशत हमने ये हासिल कर लिया, और हम देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े कि सटीक आंकड़े बिल्कुल सही कि भैया बन रही है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, उनकी सरकार, और उत्तराखंड में, क्या लगता है आपको ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही और सटीक होते हैं? नहीं देखिए, एग्जिट पोल सही भी हुए हैं, गलत भी हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, उन्होंने भी काम किया है तो उनको भी नमन है, लेकिन हम केवल एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, अब अगर आप एग्जिट पोल की नहीं मानेंगे, बहुत सारे और चीज़ों की नहीं मानेंगे, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? अगर 10 तारीख के पहले आपको एनालाइज करना है तो ग्राउंड लेवल पे हकीकत आप देखिए। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि भाई 2,500 लोगों से पूछ के ये बना लिया, तो वोटर तो 14 करोड़ है, आपने 7-8 रैली की, 2,500,000 लोग एक रैली में आ गए, तो आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि आपकी सरकार बनेगी? 100% वोटर तो आपकी रैली पे भी नहीं आए, तो ग्राउंड लेवल पे देखिए किसकी रणनीति अच्छी रही है और उसके साथ लगातार काम किसने किया है। केवल बातों से, बोल देने से नहीं होगा या हेलीकॉप्टर से घूम लेने से नहीं होता है, तो ग्राउंड पे जिसने ज्यादा काम किया है, जो हमेशा ज्यादा एक्टिव रहा है, उसकी डेफिनेटली चांसेस उसके ज्यादा होंगे। क्वांटिफिकेशन को छोड़ दीजिए, हम नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसके फेवर में जाएगा चाहे जैसे भी। अब बसपा में कोई रैली ही नहीं की,
तो आप क्या मानेंगे कि बिना रैली किए बिना हाथ पैर हिलाए आप चाहेंगे कि सारी सीटें उनको चली जाएंगी? नहीं, नहीं, मिश्रा जी, नहीं होती है ना। हाँ मिश्रा जी, लेकिन लेकिन बीएसपी का कोई तो किरदार होगा ना। आप ये कहेंगे कि भैया हाथी हाथी की चाल में कोई संकेत नहीं छिपा, कुछ तो संकेत होगा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। सबके किरदार है, सबके, मेरा भी किरदार है सर, आपका भी किरदार है, किरदार तो हर आदमी का है। मैं एक बार बोलता हूँ कि मिनिमम रिक्वायर्ड कि वो असर डाल सके, अगर वो इम्पैक्ट नहीं आता है आपके किरदार से तो आपका किरदार बेकार है। एक ग्लास पानी में एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा चीनी का डाल देने से वो पानी शरबत में नहीं बदलता है, तो एटलीस्ट एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए। यही चीज वोटिंग और पॉलिटिक्स में भी है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं विपिन शर्मा जी के पास और राहुल तलान जी के पास जाऊंगा। जो आपने कहा ना कि जिसने जितनी मेहनत की उसी से जोड़कर मैं आगे चल रहा हूं, और फिर अगर मैं गलत बोलूंगा तो देखिए आज चौधरी साहब भी नाराज है मुझसे, दुबे जी भी नाराज है, मैं तो सिर्फ वही आंकड़े जो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं मैं वही दिखा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया नोएडा में जितने विक्रम नहीं चलते, नोएडा में जितने विक्रम नहीं चलते उतने जहाज देखे मैंने, नेता जहाज जहाज का टोला चल रहा था, एक आ रहा था जमीन पर एक हवा में, एक आ रहा था जमीन पर एक हवा में, जितने विक्रम नोएडा में नहीं चलते उससे ज्यादा जहाज घूम रहे थे, है ना सर? और उसमें से कई नेता तो ऐसे होंगे जो फ्री के तेल में ससुराल भी चक्कर मार गए होंगे कि नेतागिरी में देखिए हम नेता हैं भैया, फ्री में यात्रा चल रही है ना? तो मेहनत तो कईयों ने की, और कई पन्ना प्रमुख तो पन्ना प्रमुख रह गए, कागजों पर धरातल पर कितना काम कर पाए उसका आकलन तो अब दुबे जी भी करेंगे। लेकिन एक बात विपिन शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, 10 तारीख का इंतजार करूं या मेरे सहयोगियों ने जो दिखाया उसको आंखें बंद करके मान लूं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं? तिलक जी अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल सटीक निकले हैं लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, ये पुरानी कहावत है और हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोग खुशियां मनाने लग जाएं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बारी जितने चुनावी पंडित हैं उनकी भविष्यवाणी या उन्होंने जो आकलन कराया वो गलत निकला है। तो अभी कुछ घंटे रह गए हैं, 10 मार्च कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पर बड़ा अनिवार्य है कि हमें पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, क्योंकि संदीप दुबे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम लोग अक्सर चर्चा में साथ भाग लेते हैं। नहीं, तो मित्र तो मेरे भी बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझसे नाराज हो जाते हैं कभी कभी। तो अनौपचारिक तरीके से मैं पश्चिम बंगाल का इनसे अनुमान ले रहा था। हाँ। और निश्चित बात है जो उम्मीद करी जाती है, संजीव चौधरी जी से भी अगर मैं बात करता सपा को लेकर किसी चुनाव में तो वो उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता। तो उस समय पश्चिम बंगाल की जब बात करी, भाजपा के सारे बड़े नेता बार बार दावा कर रहे थे 200 पार हम लोग दोहरा शतक लगाएंगे, डबल सेंचुरी मारेंगे, 100 भी पार नहीं हो पाए। और यही बात इस बारी अगर हम उल्टा करें, उत्तर प्रदेश में चैलेंजर कौन था? अखिलेश यादव सपा, और वो बार बार बोल रहे थे हम पहले 400 बोला, वो अलग बात है, फिर अब 300 पे आ गए, बोला 300 हम करेंगे, ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे जो सहवाग मारा करते थे अक्सर। तो यहाँ पर देखिए स्थिति उल्टी हो जाती है। और बिल्कुल अभी कोई सम्मानित प्रवक्ता मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो कोई राजनीतिक दल पर टिप्पणी कर रहे थे कि वो चुनावी मैदान में कहने को थे लेकिन दमखम से उतरे थे। नहीं, ये बात बिल्कुल यकीनन बात सच है। मिश्रा जी राजनीतिक दल से नहीं है, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं वही बात बोल जी 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 नहीं नहीं मैं वही बात नहीं नहीं वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अखिलेश जी, बड़े सम्मानित और बड़े वरिष्ठ। तो लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ की भाजपा नहीं वो जानता हूँ मैं अच्छी तरीके से, भाजपा और कांग्रेस कहने को चुनावी मैदान में थे उत्तर प्रदेश में, प्रियंका वाड्रा तो दिखी चुनावी मैदान में लेकिन भाजपा जो अपेक्षा करी जा रही थी, उम्मीद करी जा रही थी कि वो दमखम से उतरेंगी और उनकी पार्टी भी उतरेगी, तो वो बड़े शांत दिखाई दिए, जो जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि
सीधी टक्कर सपा की और भाजपा की रही है इन चुनावों में। नहीं नहीं नहीं, तो क्या इससे क्या अनुमान, मैं आपकी बात से, नहीं नहीं विपिन जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बीएसपी को नजरअंदाज कल भी नहीं करता था और आज भी नहीं करूंगा। मैं भी नहीं कर रहा, मैं वही बात, अगर आप पूरे विचार मेरे पहुंचने दें, वो अभी भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। किंग मैंने ये बात बोली कि किंग मेकर की भूमिका अलग होती है कि अगर स्पष्ट बहुमत किसी एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता, मान के चलिए कांटे की टक्कर हो जाती है और 160 आप ये मान के चले, मैं आप ही की बात को आगे लेकर जा रहा हूं। राहुल तलान जी मुझे एक बात बताइए, राहुल तलान जी उस स्थिति में बसपा की जरूरत पड़ सकती है। राहुल तलान जी, क्या बीएसपी को समझना या नजरअंदाज करना जल्दबाजी नहीं होगा आपको लगता? और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर मुकाबला 19 और 20 वाले कांटे का हो। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी वहां से 15% वोट से स्टार्ट करती है अपनी पोल इलेक्शन लड़ना। बीएसपी के पास 15% वोट उनका रिजर्व है और वो पीछे भी था, आगे भी रहेगा, जब तक बीएसपी है तब तक रहेगा, तो वहां से वो स्टार्ट करते हैं लड़ना। अगर जो उसमें किसी पर्टिकुलर विधानसभा में और किसी कास्ट का उनको वोट मिल जाता है तो वो अचानक से फाइट में आ जाते हैं। जितना जैसे भी जो भी एग्जिट पोल में बीएसपी को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जाने वाली है बीएसपी। और सबसे बड़ी बात देखिए, एग्जिट पोल पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, बेशक मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन जब आप 28,582 का एग्जिट पोल करते हैं 117 सीट पे पंजाब में, और आपका सैंपल साइज 28,000 से कुछ ज्यादा होता है, तो एक 244 एक विधानसभा में आप 244 लोगों से बात की, आपने क्वेश्चनियर लेके 244 लोगों तक पहुंचे। अब 244 लोगों में आप जेंडर, रिलीजन, एज और एजुकेशन और कास्ट ऐसे उसको जब डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा कि हम पर्टिकुलरली पहुंच ही नहीं पाए उन लोगों तक। और 244 लोग कभी भी 2,00,000 विधानसभा की, अगर जो 2,00,000 है कैपेसिटी वोटर है एक विधानसभा में, 4,00,000 है तो वो नहीं दे सकते हैं आंकड़ा, वो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। नहीं तो मैं वही आपसे वही समझना चाह रहा था राहुल तलान, ये जनता को भी समझाइएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने कहा जो सैंपल साइज है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर अभी जो हमारे सामने स्क्रीन पर बैठे हुए लोग, जैसे कि एके मिश्रा जी जी, संदीप दुबे जी, विपिन जी और राहुल तलान जी, आपने राहुल तलान जी ने सैंपल लिया और आपने एके मिश्रा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार। मिश्रा जी, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की सरकार बनाऊंगा जी। विपिन जी ने भी यही बात कही, संदीप दुबे जी ने भी यह बात कही, आप पहुंचे नहीं संदीप चौधरी के पास और मेरे पास जी। आप मुझे यह समझा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, या तो आपका सैंपल साइज जो स्टैंडर्ड सैंपल साइज है 1% होना चाहिए टोटल वोटर का, तो फिर ये सब मिलके हवा में तीर मार रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर जो जब तक आप 1% स्टैंडर्ड साइज ही नहीं ले रहे हैं, टोटल रैंडम जो सैंपलिंग करी आपने वो 1% नहीं है, तो उसको मैं तो बिल्कुल गलत मानूंगा। देखिए स्टैंड रिसर्च के कुछ ना अच्छा, तभी इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सैंपल साइज के मुताबिक ये बिल्कुल सटीक नहीं है, ये सब हवा में तीर मार रहे हैं, जिसका सही बैठेगा वो उस दिन 10 तारीख को जोर जोर से चिल्लाएगा कि देखो हमने ये कहा। बिल्कुल, देखिए अगर जो कहीं 3,00,000 की वोटिंग परसेंटेज वोटर हैं तो वहां हमें 3,000 तो चाहिए कम से कम एक विधानसभा में, और वहां से आप सैंपलिंग ले रहे हैं 244 लोगों की। तो देखिए भारत में ना रिसर्च को मजाक बना दिया गया है। हाँ, ये अखिलेश मिश्रा जी अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात, वो इससे जुड़े रहे हैं, तो रिसर्च को यह मजाक बना दिया गया, मेथोडोलॉजी के नाम पे टीवी चैनल कुछ नहीं दिखा रहे हैं। कौन सी मेथोडोलॉजी थी, सैंपलिंग क्या थी, कैसे सैंपलिंग की गई, और उस डेटा को फिर हम कैसे डिफाइन किया गया, जब तक हम ये सारे डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या आपने हाइपोथेसिस। मिश्रा जी आप इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ चावला जी, इस सब्जेक्ट पे पहले भी मेरी आपसे बहुत डिटेल में बात हुई है डिबेट पे। देखिए मैं एक चीज ये बोलता हूँ, एक तो सैंपल साइज, जहाँ 14 करोड़ वोटर है, मैक्सिमम सैंपल साइज इंडिया में जो गया है वो 1,00,000 से कम का ही गया है पैन इंडिया लेवल पे, जब इलेक्शन से तो कोई मायने नहीं रखता। दूसरी चीज होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, अगर आप एग्जैक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हेट्रोजीनियस होना चाहिए, यानी हर जगह से, ऐसा नहीं कि एक पार्टी का जहाँ पे। तीसरी चीज ये होती है वोटर्स काइनेसिस और वोटर साइकोलॉजी, यहाँ बूथ पे पहुंचते पहुंचते भी वोटर अपनी मेंटेलिटी को बदल देता है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक महीने पहले पूछेंगे तो वोटर ने बोला कि मैं फलाने पार्टी को वोट दूंगा, बीच में इन्फ्लुएंस हुआ तो उसका डिसीजन बदला,
बूथ पे जाते जाते माहौल कुछ और हो गया, वहां किसी और को उसने वोट दे दिया। तो पूरे इलेक्शन कैंपेन के फेज में और वोटिंग करने तक दो तीन बार जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेड अनडिसाइडेड होते हैं, जो हार्डकोर वोटर नहीं होते हैं, वही सबसे बड़ा असर डालते हैं किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी। जो आप सुबह डिबेट में बात कर रहे थे कि भाई भीड़ कम दिख रही है, ये वही अनप्रिडिक्टेड अनडिसाइडेड वोटर होते हैं जो कि या तो वोट दे कि ना दे। मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं उसके पास संदीप जी और चौधरी जी आपके पास आऊंगा। ये चीज की स्टडी ही नहीं हो पाती है। मैं हैरान पता क्यों हुआ, हैरान इसलिए हुआ कि एक न्यूज चैनल दिखा रहा था कि भैया यूपी में एक भी निर्दलीय नहीं आ रहा, समझिएगा इस बात को। फिर मैंने थोड़ा अपने जोर लगाया, तब मुझे सामने ये नजर आया कि क्या वाकई में राजा भैया चुनाव हार रहे हैं। अगर मैं मान लूं उनका एग्जिट पोल, तो राजा भैया चुनाव हार रहे हैं, धनंजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई निर्दलीय जीतकर नहीं आ रहा है तो। नहीं नहीं, राजा भैया की अपनी पार्टी है, वो निर्दलीय नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अन्यों के खाते में, अन्य होता है ना सर कॉल, अन्य के, हाँ वो अन्य वाला, अन्य के खाते में, अन्य के कोई 1920 अन्य में डाल दो। नहीं, अन्य के खाते को भी जीरो कैसे किया जा सकता है? आप मुझे बताइए कोई एक चुनाव जहां पे अन्य का खाता शून्य रहा हो। हाँ। मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है, क्या है, नाम बताएंगे चैनल का सर? आप क्यों मैं दिखा रहा हूँ आंकड़े, क्यों मेरे से इतना, वैसे मुझसे नाराज रहते हैं, समझा? थोड़ी राज की बात नहीं चावला जी, आपसे एक तो देखिए, आपसे कोई नाराज नहीं रहता, ना कोई प्रवक्ता, ना वक्ता, ना कोई पार्टी, आपसे कोई नाराज नहीं रहता है। आप इसको नाराजगी मत समझा करिए। देखिए, मैं अन्य के खाते में जीरो चला जाए, ये किसी के बात से, किसी के गले के नीचे से बात नहीं। इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अन्य ना जाए। अच्छा, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ एक सवाल लेकर, फिर उसके बाद चौधरी जी आपके पास आऊँ। बोले दुबे जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो जो पक्ष रख रहे हैं, थोड़ा सकारात्मक भी दृष्टिकोण होना चाहिए। हम नकारात्मक चले जाएंगे तो हर आदमी बुरा दिखेगा, सकारात्मक रहेंगे तो मीडिया की भी अपनी भूमिका, उसको नकार नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एग्जिट पोल है अभी उत्तर प्रदेश और खासतौर से बिहार, वो जगह ऐसा है कि पहले ही हवा हो जाती, पता चल जाता है जिले में ये फलाना विधायक जी जीतेंगे और फलाना हार जाएंगे। मुझे लगता है ये सटीक एग्जिट पोल होना चाहिए और इसमें जनता और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस बार मीडिया ने बहुत छोटे छोटे स्तर पे जाके काम किया। मैं खासतौर से आप ही का चैनल देखिए, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन आप गड्ढा दिखा रहे थे, गड्ढा था, टूटा हुआ था, तो यानी आपका चैनल गाँव गाँव पहुंच गया, उस जगह पहुंचा। पहले शहरों में लोग रिपोर्टिंग करते थे, अंतिम व्यक्ति तक भी जाके रिपोर्टिंग हुई है, तो मीडिया की अच्छी भूमिका, ये पॉजिटिव साइन है। और हम लोग को लगता है कि नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं दुबे जी, मैं गड्ढा इसलिए दिखाते हैं, मैं बता देता हूँ, गड्ढा भर जाए हम इसलिए दिखाते हैं, हम इसलिए नहीं दिखाते कि गड्ढा भी हम भर देंगे। हाँ, सरकार आ रही है, उसके बाद सबसे पहले आपने जो जो दिखा सब गड्ढा भरेंगे। नहीं नहीं, सब मैं दिखाऊंगा, फिर भी अगर सरकार किसी की भी आए गड्ढे ही दिखाऊंगा ताकि वो भर जाए, है ना सर? ये हमारी, मुझे और बाकी जो सैंपल साइज की बात, मुझे मेरी टीम पर गर्व है कि हमने रोजगार के मुद्दे को उठाया और रोजगार के मुद्दे पर भी चुनाव आया। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक बात, इन्हीं एग्जिट पोल के मुताबिक विपिन जी, मैं मान लूं कि प्रियंका गांधी कोई चेतना नहीं जगा पाई उत्तर प्रदेश में, अगर मैं वाकई मान लूं ये जो एग्जिट पोल है, निश्चित बात है। देखिए, ये तो बात का अनुमान लगाया जा रहा था यहाँ पर, लेकिन हम लोग अगर आज जितने एग्जिट पोल हैं उन पर ही अगर सवाल उठाने लग जाएं, देखिए, क्योंकि उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है जब वो आकलन करते हैं और पूरी दुनिया वो एग्जिट पोल का इंतजार करती है, उनको देखती है, तो प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई भी ऐसा चाहेगा नहीं कि कोई ऐसी कोई लैकुने बीच में छोड़ दे जिससे उनकी खुद की प्रतिष्ठा पे सवाले निशान लग जाए, तो यहाँ पर वो उठाना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इंतजार की बात इसलिए करी क्योंकि कुछ भी आप ये मान के चलिए, कोई सर्जन के पास आप जाते हैं अपने सर्जरी कराने, वहां पर भी सर्जन भी आपको ये आश्वस्त नहीं करता, आश्वासन नहीं देता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहां पर भी पहले फॉर्म साइन कराया जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से होशो आवास में ये सर्जरी करा रहे हैं, तो ये बातें तो देखिए किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इसलिए बोला कि कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च का तक, उसको तब बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि एग्जिट पोल की बात करें, ओपिनियन की बात करें, हवा किस तरफ
हवा का रुख किस तरफ है, तो वो अनुमान लग जाता है। वो अब 21वीं सदी है, यहाँ पर जो एक साइंटिफिक तरीका है, तो आप सैंपलिंग की बात करें, वो साइंटिफिक तरीका जब आ जाता है, मैं उसमें एक एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, एलोपैथी को हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट समझते हैं, बाकी जो उपचार है उस पर सवाल निशान इसलिए उठते हैं, वो बोलते हैं एविडेंस बेस्ड नहीं है। अब एविडेंस बेस्ड जाता है, साइंटिफिक तरीका आ जाता है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, तो वहां पर उसकी मान्यता बढ़ जाती है। ये उसको एक उसका जो भी तो बढ़ता है और साथ में उसको चौधरी साहब मिल जाती है। चौधरी साहब, मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बीएसपी को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए और अब भी संकेत ये आ रहे हैं कि बीएसपी, कई न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि 14 से 24 सीटें आ सकती हैं, और एक वोटिंग परसेंटेज, सुनामी आई, आंधी आई, तूफान आया, बारिश गिरी, ओले गिरे, लेकिन बीएसपी का जो कैडर वोटर था वो आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया, ये भी तो हकीकत थी ना। तो फिर आकलन करिए कि किसको फायदा और किसको नुकसान। चौधरी साहब, आपको लगता कि बीएसपी की खामोशी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा गई? अभी अभी आप ये चावला जी ने रिजल्ट थोड़ी बता सकते हैं कि पहुंचा गई नहीं कह सकते। अभी इन्हें पहुंचा गई नहीं कहा जा सकता। अभी हमारे बड़े भाई मिश्रा जी बोल रहे थे, तो उन्होंने भी कहा, सभी पूरे जो पैनल बैठा हुआ सभी लोगों ने माना कि ये रिजल्ट नहीं है, ये केवल अनुमान है। नहीं तो मैं भी कौन सा कह रहा हूँ ये रिजल्ट नहीं हुए, मैंने तो कभी नहीं कहा ये रिजल्ट है। मैंने तो कहा ही नहीं ये रिजल्ट है। नहीं, आपने कहा ना कि कहीं बीएसपी की खामोशी बीजेपी को लाभ पहुंचा गई। किसको फिर फायदा पहुंचा गई? अभी तो रिजल्ट नहीं आए, आप मुझे बताइए किसको फायदा पहुंचा रही है, मेरे ये बता दीजिए फिर। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हमको तो ये पता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है 10 तारीख। अच्छा, बस इतना पता है 10 को शपथ लेंगे, बनने जा रही है, यानी इतना पता है कि कैसे मान लें। बिल्कुल, केवल एक आदमी बोल रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हम कैसे मान लें सर? इधर 5000 आदमी बोल रहे हैं कि आपकी नहीं बन रही है। तो मेरा मित्र जी, आपको बात नहीं कि आप मानिए, मैंने कब कहा आप मानिए, मैंने कब कहा आप बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो रिजल्ट है, और अब आप बोल रहे हैं कब कहा आप मानिए नहीं है। अरे मैं दावा कर रहा हूँ ना अपना, मैंने कब कहा आप मानिए, मैं कब कह रहा हूँ आप मत मानिए, आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है मित्रा जी, यार मत मानिए। चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं तो आप दुनिया को क्यों मनवाना चाहते हैं? 10 में मान लेंगे आप अपनी मानेंगे, 10 में मान लेंगे। अच्छा चौधरी साहब, यानी इसमें दम है मिश्रा जी, मिश्रा में दम है कि 10 तारीख को देखेंगे। मिश्रा जी, यानी चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि जो सारे के सारे सैंपल लिए एके मिश्रा जी से लिए गए और सब भाजपा 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 हुआ, आप ये कह रहे हैं? अन्यथा मत लीजिएगा मिश्रा जी, ये मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, ये तो मैं आरोप नहीं लगा सकता। मिश्रा जी सारे चैनल वाले मेरे पास ही आके सवाल पूछ रहे थे बार बार, लेकिन हाँ मिश्रा जी का झुकाव रहता है। अच्छा, मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से नाराज रहते हैं, अच्छा पता नहीं क्यों रहते हैं। नाम अखिलेश है, नाम अखिलेश है और है भाजपाई, आप ये कह रहे हैं नाम अखिलेश है भाजपाई? मिश्रा जी नाराज रहते हैं, मैं मिश्रा जी के साथ पिछले 3-4 सालों से बैठ रहा हूँ। हाँ, मिश्रा जी के साथ, आपके साथ भी, मैं जब आप इंडिया वॉइस में थे तब मैं मिश्रा जी के साथ बैठा कई बार। अच्छा, भैया की उनके तारीफ करने वाला केवल मैं ही हूँ, कोई और तारीफ भी नाराज रहते थे। अच्छा, तो आपके पास आप तब भी हमसे नाराज रहते हैं। ओके मिश्रा जी, एक मिनट, आपके पास चौधरी साहब बताइए, चावला जी एक मिनट, आप एक बार बताइए, अब आप यही चैनल पे, मैंने बहुत लोगों से, मुझे, मैं जब कोरोना से पहले आपके साथ बैठता था तो कितने लोगों ने मुझे पूछा कि भैया वो चावला जी को चैनल से क्यों निकाल दिया? अब मैंने कितने लोगों से पूछा, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया किसी ने। अरे गलत सवाल है सर, चावला जी ने छोड़ दिया, निकाला नहीं, ये गलत सवाल है। नहीं, चावला जी ने छोड़ दिया, ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? चौधरी साहब, विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं, चावला जी को केवल इसलिए क्योंकि चावला जी सच्चाई लेके चलते थे, इसलिए चावला को बर्दाश्त नहीं हुआ। ना चैनल को बर्दाश्त नहीं हुआ था, चेंज किया जाता। ना, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं हुआ था, चावला जी हमेशा सच्चाई लेके चलते हैं, मैं सहमत रहता हूँ चावला जी से। नहीं, आप मेरे पक्ष में हो क्या विपक्ष में हो, नहीं, लेकिन चावला जी हमेशा
सच्ची बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं सच आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा, सरकार आपकी है या नहीं, बिल्कुल मैं भगवा या मैं करता हूं आपका। एक मिनट, मैं आपका रिगार्ड करता हूं। एक मिनट मुझे एक बात बताइए, यानी कि इस एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल जो तमाम न्यूज चैनल पर चल रहे हैं संदीप दुबे जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजभर का असर नहीं पड़ा, कृष्णा पटेल का असर नहीं पड़ा, है कि नहीं? वो तो सब जी बहुत, मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, मैं पक्ष पार्टी का नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत आपको, मैं उत्तर प्रदेश में मैं कई जगह गया और जो मैंने महसूस किया, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में एक अभिमन्यु किरदार होते थे, हाथ होते थे और सारे कौरवों ने घिर के उनको मार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि ये सारा विपक्ष ना कौरवों की तरह हो गया है और अभिमन्यु बना के योगी जी सारा विपक्ष कौरवों की तरह नहीं रहा, सारा विपक्ष नहीं रहा। अरे आप विपक्ष, आप देखिए आपकी तरफ गठबंधन नहीं था, तमाम गठबंधन पे कितने लोग गठबंधन में थे आपके साथ, आपके साथ कितने लोग गठबंधन में थे आप बताइए ना, कौरव तो आप थे, कौरव तो सेना आप है, कौरव सेना भारतीय जनता पार्टी है, वो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी है, कौरवों की सेना बसपा वाले झूठ को जिताएंगे, कौरवों की सेना भारतीय जनता पार्टी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी हार होने जा रही है 10 तारीख में। धर्म पे होना चाहिए, भारत है, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को खंडित खंडित करने का किसी को भी अवसर नहीं भारत की जनता देगी, ये मैं आपको सहर्ज बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताइए, आपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा किया होगा लेकिन जनता नहीं मान रही है कि आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा संदीप दुबे, जनता का दिल जीतेगा वही तो लोकतंत्र में राज करेगा साहब। अब इंतजार कर लो ना, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, आप कह रहे कि आएगा तो योगी, अब इंतजार कर लो दुबे जी, इंतजार कर लीजिए ना। अच्छी बात अखिलेश जी ने कहा, इंतजार के बाद तो ये एग्जिट पोल आते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ एग्जिट पोल आए और किसके फेवर में जाएंगे, मीडिया की काफी वैल्यू क्रिएट होती है। विपिन जी क्रिएट करना चाह रहे हैं, राहुल तलान फिर आपके पास आ रहा हूँ, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट देखिए, एक अच्छी बात हुई है इन चुनावों में, कहने को बाकी मणिपुर में भी, गोवा में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश पे सारा ध्यान केंद्रित है, अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि पहले ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जिट पोल का अगर हम यकीन माने तो भाजपा की सरकार बन रही है, फिर दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, लेकिन एक बात अच्छी है कि टक्कर बढ़िया दी है जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और साथ में आपने जिस बात का जिक्र करा, आपकी बात बोलिए आपने कहा कि आएंगे तो योगी जी, ये दुबे जी कंफर्म है? 5000% मुझे पता था आप मेरे को इसमें रोकोगे। कहीं का रोड़ा विपक्ष ने भानमती का कुनबा जोड़ा, उसका कुनबा बिखर गया। अच्छा, योगी जी के सामने कहीं कुछ नहीं चला। अच्छा, ये जात पात नहीं चला, प्रधानमंत्री जी में आम जनता का जो अच्छा था वो, ये जातिवादी नहीं चला आप ये कह रहे हैं? अरे आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे, पूछिए तो MY चला कि नहीं, कहेंगे नहीं। अब आप पहले कर लेता हूँ, कोई विपक्ष कह दे, नहीं तो आपकी के चैनल पे लोग बैठ के जाति के गणना की गीत करते थे। अच्छा, तो ये आप जो मंत्री बनाते हैं वो जाति के आधार पर नहीं बनाते? हम काटते हैं साहब, पुरानी बुराई जो बड़े झूठे लोग हैं, इसका उदाहरण देता हूँ। फिर राहुल तो डुमरी बजाने वाले लोग, अभी रुकिए चौधरी साहब, रुकिए इसका उदाहरण देता हूँ, बजाने वाले दुबे जी डुमरू बजाने वाले, इसका उदाहरण देता हूँ, गलत जी ने पकड़ लिया आपकी नस, आप इसका ऐसे ही पकड़ते सबको, एक मिनट चौधरी साहब, अगर गलत बोलूंगा तो ये डिबेट में यही खत्म कर दूंगा, बिना राहुल तलान जी के पास जाए उदाहरण के साथ। आगे आ रहा राहुल जी आपके पास, जो ये कह रहे हैं कि जातिवादी ये वो, खुद देखेंगे कि भैया कौन सी सीट पर कुर्मी वोटर ज्यादा है वहां कुर्मी उतारेंगे, कौन ब्राह्मण ज्यादा है फिर ब्राह्मण उतारेंगे, पूरा चेक होता है, कौन निषाद कौन कितना, सर्वे सब होता है, चार चार सर्वे होते हैं, है कि नहीं दुबे जी? अब आगे सुनिए उदाहरण के साथ आगे सुनिए, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। संजय निषाद अनुप्रिया पटेल, ये जातिवादी नहीं है, है ना, क्योंकि वो आपके साथ है, संजय निषाद भी अनुप्रिया पटेल भी, लेकिन राजभर और कृष्णा पटेल जातिवादी हैं। यानी आप ये मुझे समझा रहे हैं कि हमारे गोलगप्पे को रसमलाई बोलो,
और इनकी रसमलाई को गोलगप्पा बोलो। राइट है दुबे जी, तुम्हारे जोर से हंसे। मैं स्वीकार करता हूँ कि जातिवादी राजनीति भारत के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता नहीं। तो फिर ये मत बोलो ना कि भैया हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण महासभा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, स्वीकार करते हैं जातिवाद राजनीति का। अगर एक और उदाहरण दे रहा हूँ, एक और उदाहरण, फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसा नहीं होता, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, टिकट देंगे और इस देश में आम जनता किसी गरीब को जीतने नहीं देगी तो क्या उससे बड़ा गुंडा लेके तो आना पड़ेगा। अब कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको दुबे जी, मैं भी कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। अगर ये जो द्वंद है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई तब है तिलक चावला जी की, विपक्ष की जितनी भी चालें थी, जो राष्ट्रवादी नहीं है, जिन्हें वंदे मातरम अच्छा नहीं लगता, जो भारत माता की जय से परहेज करते हैं, जो रात को 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा आगे SC-20 पर, जो साइकिल पे बम ब्लास्ट होता है आगे SC-20 पर, इन लोगों को चेतावनी होती है SC-20 पर आगे दुबे जी, साइकिल तो एक गरीब मजदूर भी चलाता है, साइकिल तो एक गरीब मजदूर भी चलाता है सर, साइकिल तो गरीब मजदूर भी चलाता है, हर साइकिल पे बम ब्लास्ट नहीं होता। को ठगने का काम साइकिल वाले दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, अगर जाति, अगर आपने जाति के आधार पर, दुबे जी, जनता पार्टी ने काम किया है, दुबे जी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी MSP क्या है, अखिलेश जी स्वीकार करेंगे, विपिन जी, ये जो कोविड टाइम था, सबके घर में सरकार ने मुफ्त अनाज पहुंचाई, मायावती जी की वोट बैंक भी खत्म हुई है। मैं अभी कल गाजियाबाद के अंदर गया था, जहां मायावती जी की बहुत बड़ी वोट बैंक थी, उन्होंने कहा मेरा मुंशी है वो लड़का, मैं आपको ये अगर जनता ने, अगर जनता ने आपका, आपके मुताबिक, आपके मुताबिक योगी जी ने पूरे वक्त पे हमें राशन दिया, मरने नहीं दिया भूखा, आप ही के मुताबिक दिया, कोई राशन नहीं दिया, आप ही के मुताबिक, जैसे आपने कहा हमने मुफ्त राशन दिया, मुफ्त खाना दिया, मुफ्त नमक दिया, नहीं जनता कहा है, मैंने मुफ्त मैं, नहीं ना आपने कहा, आपने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ, सरकार का आपने जो कहा सर मैं वही कह रहा हूँ, भूखे न मरने, मैं आपको वही कह रहा हूँ जो आपने कहा हमने मुफ्त दिया, और फिर भी अगर जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो फिर ये नमक हराम होगी या नमक हलाल होगी जनता? अरे सर वो जनता वोट क्यों नहीं देगी, मैं क्यों नकारात्मक आप लोग सोच के बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन चल रही है, पता चले आगे ट्रेन लड़ जाएगी, इसकी वजह से ट्रेन नहीं, आप ही कह रहे थे ना कि आपने मोदी का नमक खाया, तो ये कह रहे ट्रेन अच्छे से पहुंचाएगी, आप ही ने कहा था ना मोदी का नमक खाया, तो ये नमक नमक हराम होगी या नमक हलाल होगी जनता? सच को स्वीकार सबको करना पड़ेगा, रोड के इंसान में चले जाइए, रोड बेहतर हुई है, विकास हुआ है, ठीक। मैं राहुल तलान जी के पास जा रहा हूँ, मैं राहुल तलान जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन आदर्श की बात, लेकिन दुबे जी अगर आपने जातिवाद नहीं किया होता, आपने अगर जातिवाद नहीं किया होता, दुबे जी अगर आपने जातिवाद नहीं किया होता, तो उसी मन से जहां से हमारे देश के गृह मंत्री निजाम पढ़ा रहे थे लोगों को, और जिसमें हर शब्द में मुसलमान था, आप वहीं पर ही उसी मंच पर अगर माफिया की डेफिनेशन सुना रहे थे, तो माफिया के नाम पर विकास दुबे भी था। विकास दुबे का नाम आपने मन से नहीं लिया, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण नाराज हो जाते, चोर को पहरेदार बना के भी सिपाही को खड़ा करके, विकास दुबे जब देश का आम आदमी राष्ट्रवाद से प्रेरित होगा, राष्ट्रीयता उसके अंदर होगी, सिपाही बन के खड़ा होगा, अभी तो बुराई से लड़ पाएगा। अच्छा राष्ट्रवाद, हर उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सिपाही बनाने का। अच्छा विकास दुबे मतलब राष्ट्रवादी थे, ये समझा रहे हो मुझे? मैं विकास दुबे, मैं भी दुबे हूँ सर, रिश्तेदार भी निकल है, राष्ट्रवादी तो नहीं होगा, चोर चोर होगा, माफिया माफिया। हाँ तो आप एक चोर का नाम गिनवा रहे हैं, दूसरे चोर को छुपा रहे हैं, बलात्कारी को, उसमें का जमीन हड़पने वाले को, एक चोर को दिखा रहे हैं, दूसरे को छिपा रहे हैं, एक चोर दिखा रहे हैं, दूसरे को छिपा रहे हैं। राहुल तलान, राहुल तलान, राहुल तलान, यानी कि आप चावला जी से नहीं बच पाओगे? नहीं नहीं चौधरी जी, चावला जी से नहीं बच पाओगे, इधर उधर इधर उधर मत भटकिए, अब आप लोग अच्छे से इधर उधर मत भटकिए, सेवा करो वो, एक मिनट, राहुल तलान जी, बात वहीं से शुरू हुई थी जहां से जातिवादी राजनीति का जिक्र था, क्योंकि ये इन आंकड़ों के मुताबिक अगर हकीकत है, ये आंकड़े जो आंकड़े तमाम न्यूज चैनल्स पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जातिवादी कार्ड नहीं चला। और जो दुबे जी मुझे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे गोलगप्पे को रसमलाई मान लो और इनके गोलगप्पे को, इनकी रसमलाई को गोलगप्पा मानो। देखिए जातिवाद कार्ड तो चला है उत्तर प्रदेश में, अगर जो खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, मैं तो उस पर बिलीव नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 200
30 के पार नहीं जा पाएगी, ये मेरा मानना है। वो उससे नीचे ही नीचे रहेगी। अगर जो इससे ज्यादा कुछ मिल रहा है बीजेपी को, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई जातिवादी कार्ड नहीं चला है। लेकिन मुझे लगता है कि सपा बहुत जबरदस्त वाला बाउंस बैक करने वाली है, और सपा को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जिट पोल पे बात करें तो आज तक दिखा रहा है 288 से लेके 326 बीजेपी को कभी नहीं आ सकती है। पता नहीं कैसी सैंपल लिया है, कहां से लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी 300 प्लस अभी भी नहीं। यूपी में अगर जो सपा ने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ लेती ना, तो बीजेपी, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरे यूपी घूमा है, पूरे यूपी का एक एक विधानसभा में गया हूँ मैं। पिछले जब से इलेक्शन चल रहे हैं तब से पूरे प्रदेशों में घूम रहा हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बीजेपी की ना स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं या जितना एग्जिट पोल में दिख रहा है। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि 326 फॉर्म लेके आप ये 400,000 वोटर को डिसाइड नहीं कर सकते कहां जाएंगे। और मैं इनकी संदीप दुबे जी की एक बात की और जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। एक्चुअली में संदीप जी इसको ना आलोचना कर रहे हैं, हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। देखिए रिसर्च ना, रिसर्च से आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप रिसर्च को बर्बाद करते हैं, है ना। रिसर्च की कुछ मेथोडोलॉजी है, जो तरीके हैं, अगर जो उसी के हिसाब से करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर जो आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए रिसर्च करेंगे तो रिसर्च राहुल भाई मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था। आलोचना तो हम लोग को स्वीकार करना होता है, हम लोग को आलोचना का फले और बढ़े हम बुरा नहीं मानते। बीजेपी के साथ कह रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। चुनाव आयोग को समझ चुकी है कि कौन सी वोट लेनी है। पहले चुनाव होते थे कांग्रेस के जमाने में, सपा के भी जमाने में, सैकड़ों लोग नहीं लेनी, सिंपल स्ट्रेटजी है। पता चलता था ये वोट लाठी टूटा ना डांट लेनी है, वोट मर गया। जिसका चुनाव आयोग का काम है चुनाव आयोग को करने दीजिए ना। अब हम करेंगे वो काम तो ठीक भी नहीं लगता। लेकिन एके मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई में ये नतीजे से आने का पहले जो एग्जिट पोल है कुछ संकेत तस्वीर धुंधली है या फिर बिल्कुल साफ मान ले की तस्वीर बिल्कुल साफ है? नहीं चावला जी, देखिए चुनाव शुरू होने के पहले भी अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, मैं बहुत क्लियर था शुरू से लेके अंत तक। मैंने अपनी बात को बहुत क्लियर कट तरीके से रखा है। रिसर्च या अनुमान लगाने की फोरकास्टिंग करने के दो तीन मेथड होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, जो ये आप सर्वे उर्वे देख रहे हैं। दूसरा एक होता है डायनामिक्स ओरिएंटेड। आप देखिए ना क्या क्या धाराएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, आप उसको देख के देखिए। तो मैं क्लियर कट बोलूंगा ये सारे एनालिसिस वगैरह जो भी हो, लेकिन एक रिजल्ट बहुत क्लियर कट है। मिनिमम लेवल पे वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस आप करिए तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी। लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं, बहुमत की नहीं। दूसरी कंडीशन, बीजेपी कितना जाएगी, जितना जीत के लिए सरकार के लिए चाहिए उससे प्लस माइनस 30 सीट आप रखिए, 30-35 सीट, ये फर्स्ट है। सेकेंड चीज, अगर आप मैक्सिमम की देखिए, हालांकि कोई लहर वहर दिखी नहीं, तो मैक्सिमम भी कितना जाएंगे, ये 280-285 तक चले जाएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं जा पाएंगे। इतना भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, क्योंकि ग्राउंड पे डायनामिक्स देखेंगे तो दूसरी पार्टियों की जो एक्टिविटी रही है वो अच्छा लड़े हैं, या तो परफॉर्म करेंगे या वोट काटेंगे या वोट शिफ्ट करेंगे। तो ये सारे 5-6 डायनामिक्स मिला के आप मुझे ये बताइए, किसी से भी पूछिए कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने के चांसेस किसके ज्यादा हैं। आप केवल एक सवाल पूछिए जो किसी टीवी चैनल ने, एंकर ने, किसी भी सर्वे करने वाले ने नहीं पूछा। छोड़िए हार जीत को, किसकी कितनी सीटें आएंगी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरेगी पहले ये पता कर लिया जाए। विपिन जी इत्तेफाक रखते हैं मिश्रा जी की बात से? देखिए मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि ये टक्कर बढ़िया दी है अखिलेश यादव ने इस बारी, जो उनकी चुनावी रैलियों में जनसैलाब उमड़ा, तो अच्छी बात है ये। और आप, क्योंकि मैं वो बात पूरी अपनी कर नहीं पाया था, हम लोग बसपा की बात कर रहे हैं कि बहन मायावती की, तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो क्योंकि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते ना, सभी एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, ये हमें मान लेना चाहिए। और यहाँ पर बसपा या कांग्रेस अनुमान लगाया जा रहा था डे वन से कि ये लोग चुनावी मैदान में उस तरीके से निकले नहीं जो अपेक्षा करी जा रही थी, कोई बात नहीं है, साफ तस्वीर बिल्कुल साफ है।
तो मैंने सिर्फ ये बात बोली कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी हम मिठाइयां बांटना शुरू करते हैं, लड्डू देना शुरू, खाना शुरू करते हैं, वो जल्दबाजी हो जाएगी। 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लेकिन ये एग्जिट पोल बहुत कुछ बता रहे हैं, ये स्थिति बिल्कुल साफ है। सारे एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, मेरे मित्र हैं दुबे जी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, दुबे जी ने अभी ऑर्डर कर दिया 1 घंटे पहले ही, कह रहे हैं कि भैया 10 तारीख को लड्डू और जलेबी महंगे हो जाएंगे। हाँ, जलेबी, लड्डू और फूलों की माला AK मिश्रा जी के घर पहुंचा दीजिएगा। पता चला मुझे आज तक चावला जी गुड़ की एक भेली तक नहीं आई है किसी पार्टी से। आप लड्डू और माला की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से गुड़ की भेली नहीं ली है मैंने। अरे सर, एक सुन तो लीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं मिश्रा जी? उनके पास PK है तो आप उनके पास AK आ जाएगा, दिक्कत क्या है? आप PK बैठे हैं, जो फैक्ट है, किसी भी पार्टी से एक हमने गुड़ की भेली नहीं ली है और आप चमचम और लड्डू की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, चमचम नहीं खिलाएंगे सर, दुबे जी मित्र हैं आपके, अभी तो उन्होंने कहा मित्र हमारे भी हैं। कोई पार्टी हमें बोल दे, कोई पार्टी बोल दे कि मिश्रा जी को हमने एक गुड़ की भेली भेजी है नहीं, नहीं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप अन्यथा ले रहे हैं बात को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जीते कोई भी, आपकी पार्टी पक्की है, मैं ये कह रहा था जीते कोई नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है सर, हमारी पार्टी एक ही है। इस देश के जो सिद्धांत हैं, मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं सर, मैं किसी भी नेता और पार्टी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं, अपना दिमाग है। हाँ विश्वा जी, मैं मानता हूं आपकी बात को, तभी कभी कभी हो जाता है ना, कोई बात नहीं, आप अन्यथा मत लीजिए। आप भी मेरे मित्र हैं, दुबे जी भी हैं, विपिन जी भी हैं और राहुल तलान जी भी हैं। मैं तो सिर्फ वो जो चल रहा है इतने महासंग्राम के बीच में थोड़ा सा मूड हल्का कर रहा था आप लोगों का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी। अब मैं 10 तारीख को आपको परेशान करूंगा और 10 तारीख को आपसे पूछूंगा कि बुराई पर अच्छाई वाली जीत जो आपने बताया मुझे, है ना सर, और वो गोलगप्पा और रसमलाई। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका भी, विपिन जी आपका भी, AK मिश्रा जी आपका भी। लेकिन ये सियासत था, अभी देखिए पिक्चर बाकी है, लेकिन ये ट्रेलर है जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। GLA Universe.